मुंगेर का लोकसभा सीट चर्चा में था, ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और अनंत सिंह लगातार इस सीट से इच्छा जाहिर कर रहे थे कि महागठबंधन उन्हें टिकट देगा और वो मुंगेर से अगुवाई करेंगे महागठबंधन की। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा आमंत्रण दिया गया था इनडायरेक्ट वे में। दरार हुई थी महागठबंधन के इन दो बड़े घटक दल में, लेकिन अब मुंगेर में कल रैली करने जा रहे हैं अनंत सिंह, और इस रैली के पहले उन्होंने एक बात का तो क्लियर कर दिया है कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में वो मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ते दिखेंगे। चुनाव कैसे लड़ा लूंगा, कांग्रेस कैसे लड़ा कि निर्दलीय लड़ा, कांग्रेस से लड़ा, ये बात पक्का हो गई, पक्का हो गई। खूंटा ठोका गए लू कहले रहे कि अब तक ले जितना खबर रहे वो सब सादा सादी रहे, अब के लिए पक्का हो गए कि खूंटा ठोका गए बुढ़े। मुंगेर से ये बताए कि जमानत जब्त करे के हुआ कहा तनी, फिर जमानत जब्त हुई? जमानत जब्त हुई, जनता जो मूव देखते हैं तो हम बोलते हैं जनते मालिक है, जनता वोट कुल हमने दे देंगे तो विरोधी को क्या मिलेगा, तो जमानत जब्त होगा।